आगे बढ़ते हैं। देश भर में CAA लागू होने के साथ ही विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वो अपने राज्य में CAA लागू नहीं होने देंगे। 2024 के चुनाव से पहले आखिरकार देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू हो गया है और CAA के लागू होते ही पश्चिम बंगाल केरल सरकार इसके विरोध में खड़ी हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी के अधिकार छीने गए तो TMC इसके विरोध में खड़ी होगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स में निकाला, रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने CAA लागू करने के फैसले को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की जनता के साथ धोखा कर रही है। 4 साल बीत गया लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है। वहीं केरल के CM पिनरई विजयन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया और कहा कि उनकी सरकार केरल में CAA को लागू नहीं करेगी। तो बिल्कुल देखिए, देश भर में कल CAA कानून लागू हो गया और इस कानून के लागू होने के बाद अब राजनीति भी साफ तौर पर हो रही है। केरल और पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो अपने राज्य में CAA नहीं लागू होने देंगे। हालांकि देखना होगा कि अब आगे किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से इन्हें मनाया जाता है और क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है।